नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट वन जिसका भी केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी पार्ट वन का केमिस्ट्री ऑनर्स, उसका पेपर वन का एग्जाम जो 2020 में हुआ था, उस पेपर को हम देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर इसका भी आप एक बार तैयारी कर लिए तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा एग्ज़ाम। और दूसरी बात, आपको इससे सिलेबस का भी पता चल जाएगा अगर आपको अभी तक सिलेबस के बारे में पता नहीं चला। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, बीएससी पार्ट वन केमिस्ट्री ऑनर्स का पेपर है, पेपर वन है, पेपर ये वन है। टू पेपर को भी हम आपको दिखा देंगे, डिस्कस कर देंगे। पहले हम पेपर वन डिस्कस करते हैं, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आंसर एनी फाइव क्वेश्चन, किसी पांच ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 75 नंबर का है, फुल मार्क 75 नंबर का, जिसमें पास मार्क 34 नंबर ही है, तो किसी पांच ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप में से आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, प्रत्येक जो भी ग्रुप ए आएगा, ग्रुप बी आएगा, उसमें से एक एक का ही जवाब दीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी है, उसमें से क्वेश्चन नंबर वन का आपको तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इसमें से आपको पाँच दिया हुआ है, इसमें से तीन का ही आपको एक्सप्लेन करना है, तो जो तीन आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उसका आप जवाब दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन करें। हाइड्रोजन बॉन्ड जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, NaCl हैज FCC स्ट्रक्चर। FCC मतलब फेस सेंटर्ड, फेस क्यूबिक सेंटर, फेस क्यूबिक सेंटर्ड, ये FCC का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, NH3 मॉलिक्यूल इज पिरामिडल इन शेप। NH3 का जो मॉलिक्यूल है पिरामिडल इन शेप है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो बहुत आसान है। देखिए, मान लीजिए NH3 है, ठीक, दो एक लोन पेयर ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि पांच इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर है, तो ये एक प्रकार का पिरामिडल शेप होता है, तो इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि नाइट्रोजन के पास पाँच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीन के साथ वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, एक लोन पेयर बच गया ऊपर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिपल्सन कम हो, रिपल्सन कम करने के लिए ऐसा करता है, ऊपर में लोन पेयर, तो एक पिरामिडल शेप होता है, जिसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखे तो तीन सिग्मा एक लोन पेयर, तीन सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो क्या हुआ, sp3, sp3। ज्योमेट्री देखे तो टेट्राहेड्रल और शेप देखे तो पिरामिडल, इसी को एक्सप्लेन कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आसानी से सब बना सकते हैं। डी देखते हैं, वंडरवॉल कांस्टेंट ए इज़ द मेजर ऑफ कोहेसिव फोर्स। ये वंडरवॉल कांस्टेंट जो ए है वो कोहेसिव फोर्स का मेजर है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, वंडरवॉल गैस इक्वेशन जो होता है, यदि आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो तो क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी, जहाँ ये ए क्या है, ये हमको इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बताता है, इसलिए इसको कोहेसिव फोर्स भी कहा जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इजीली से आप इजीली एक बाउंड्री बोर्ड वाला इक्वेशन लिख लीजिए और ए को एक्सप्लेन कर दीजिए, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बताता है। नेक्स्ट, ई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 3/2 RT। वन मोल किसी आइडियल गैस का, एक मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/2 RT, ठीक है, तो आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पांच में से कोई तीन का ही जवाब देना है, तो जो आपको बेटर लगे उसका जवाब दीजिए। अब ग्रुप ए देखते हैं, सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, आपको उसमें से किसी एक का ही जवाब देना है, जो आपको बेहतर लगे उसका आप तैयारी कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इसमें से निश्चित है कि कुछ ना कुछ टकराएंगे ही। देखिए, फर्स्ट देखते हैं ग्रुप ए का, एक्सप्लेन टू मेजर डिफेक्ट इन द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का दो क्या कमियां हैं, उसको आप एक्सप्लेन करना है।
उसी का बी क्या है, स्टेब्लिश वान डर वाल इक्वेशन ऑफ गैसेज स्टेट। वान डर वाल इक्वेशन जो है गैसेज स्टेट का, पी प्लस ए एन स्क्वायर, अभी पिछले लिखे थे हम कुछ देर पहले, पी पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आसानी से क्या जा सकता है, तो ए बना लीजिए। या क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, डिफरेंशिएट हाई लाइपोफिलिक एंड लाइफोबिक कोलाइड। लाइओफिलिक और लाइफोबिक कोलाइड को आपको डिफरेंशिएट करना है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। या उसी का बी देखिए, एक्सप्लेन कोगुलेशन ऑफ कोलाइड एंड हार्डी सेल्ज लॉ। कोगुलेशन ऑफ कोलाइड को एक्सप्लेन कीजिए और हार्डी सेल्ज लॉ को भी एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको लिखना है। राइट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, किसी तीन पर नोट्स लिखिए, या तो टिंडल इफेक्ट लिखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लिखिए, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डर वाल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डर वाल कांस्टेंट लिखिए, मिलर इंडिसेस भी लिखिए, आपको जो चार में से तीन बेहतर लगे उस पर से आप लिख सकते हैं, किसी एक का ही जवाब देना है ग्रुप ए में से। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग, केपी और केपी एंड केसी में क्या रिलेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम से है, केपी बराबर केसी आरटी माइनस आरटी डेल्टा एनजी होता है। डिफरेंशिएट अमंग वे एवरेज आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, एवरेज आरएमएस और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज के बीच में डिफरेंशिएशन हमको करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो जो आपको बेहतर लगे ग्रुप ए में से पाँच में से कोई एक का जवाब दे दीजिए। ग्रुप बी देखते हैं आप, ग्रुप बी देखिए, इसमें से कोई एक का ही जवाब देना है। सिक्स देखते हैं, सिक्स का ए, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो डेल्टा एक्स डेल्टा पी पर एच अपॉन एम बी जो होता है एच अपॉन फोर पाई, उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है उसको एक्सप्लेन करना है। बी देखिए, बी देख लिए। सेवन देखते हैं, एक्सप्लेन हुंड्स रूल, हुंड्स का रूल क्या था, हुंड्स का रूल था अगर आपने कभी इलेक्ट्रॉन को फिल किया होगा सब ऑर्बिट इसमें, तो हुंड्स कहता था कि मान लीजिए छः पांच इलेक्ट्रॉन है, पांच इलेक्ट्रॉन है तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, एक दो तीन, और स्पिन भी सेम होना चाहिए, इन्हीं की इसको सीधा दे दीजिए इसको उल्टा, स्पिन भी सेम होना चाहिए, और तीन दे दिए पाँच इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर उसके बाद बारी बारी से अपोजिट स्पिन करके दीजिए, छः रहता तो उसमें भी डाल देते, तो इसी को हुंड्स रूल कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है, आसानी से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान है। बी देखते हैं, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24, 29, 18, 47, 54 एंड लोकेट देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये तो बी क्वेश्चन तो बहुत आसान, सेवेंथ क्वेश्चन तो बहुत आसान पकड़ा गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 24 का। 24 में क्या होता है, क्रोमियम होता है, क्रोमियम आपको पता होगा आर्गन, आर्गन 3D 5 4S 1 होता है, 18 5 3 24 होता है। सेम कॉपर का देखें, कॉपर 29 होता है, कॉपर का देखे तो 18 3D 10 18 10 28 1 29 4S 1, तो कॉपर का 29 ये होता है, 3D 10 3D 9 नहीं होता है, 9 से ज़्यादा स्टेबल 3D 10 होता है, तो 3D 10 ज़्यादा है कॉपर, और कॉपर और क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना पड़ता है। 18 नंबर आर्गन का है, बहुत आसान है। 47 नंबर सिल्वर, जिसका है तो सिल्वर का है 47, और जो 29 का होगा वही 47 का होगा। 54 जीनोन का है, तो नोबल गैस है, आसानी से आप बना सकते हैं इसको, तो ये क्वेश्चन हमको बहुत आसान लगता है, आप इसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट नोबल गैस फ्रॉम द मिक्सर, मिक्सर से आप नोबल गैस को कैसे सेपरेट करेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं आपने नहीं पढ़ा है और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर बनाएंगे। राइट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, इसका शेप और स्ट्रक्चर लिखिए। देखिए XeF2 है, 2 सिग्मा हो जाएगा प्लस 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये क्या होता है शेप जो होता है, ये लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप। ठीक, XeF6 है 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो इसको भी आसानी से किया जा सकता है। हाउ डू एटोमिक रेडाई आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट वेराइन प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल में एटोमिक रेडाई, एटोमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिडिक्टेबल में कैसे कैसे डिफर करता है, लेफ्ट से राइट जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप में या पीरियड में कैसे कैसे, तो उसको आपको लिखना है। जैसे अगर बात करें हम
ग्रुप में बात करें तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप आपको पता है कितना होता है, एटॉमिक रेडियस जब हम ग्रुप में जाते हैं तो रिड्यूस करता है लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस रिड्यूस करता है और नोबल गैस का फिर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, यही बात करें हम सॉरी पीरियड में जाने पर रिड्यूस करता है। जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं, बेसिक बात हम बताते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है और टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल का अपोजिट है, आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप से बॉटम जाने पर घटता है, लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, इसलिए तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, बी देखते हैं, एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन फजान रूल। फजान रूल को एक्सप्लेन करना है, बहुत आसान है, आयनिक कंपाउंड से है तो केमिकल बॉन्डिंग से फजान रूल को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्वेश्चन 10 देखिए, राइट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, किसी तीन पर आपको नोट्स लिखना है, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, डायगनल रिलेशनशिप, एयर पोल्यूशन पर उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हो उस पर नोट्स लिखिए, डायगनल रिलेशनशिप पीरियोडिक टेबल का है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ ओजोन, ओजोन का जो स्ट्रक्चर और शेप है वी एंड शेप है उसको एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, एमओटी का है, मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी का आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, और CH4 इज टेट्राहेड्रल शेप व्हाइल H2O इज एंगुलर इन शेप। CH4 क्यों टेट्राहेड्रल शेप है, क्योंकि चार इसमें लोन पेयर है, एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए टेट्राहेड्रल शेप है। H2O के पास दो सिग्मा दो लोन पेयर, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर क्या करता है तो लोन पेयर रिपल्सन होता है इसलिए उसका शेप एंगुलर हो जाता है। तो बहुत आसान है, आसानी से इसको किया जा सकता है। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, किसी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में करके हमको भेजिए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उसको भी अपने एग्ज़ाम को लेकर पता चल सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी देख लेता है तो उसको थोड़ा आसानी हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसकी तैयारी भी अच्छे से हो पाती है, बूस्ट हो पाती है। तो इतना ही, धन्यवाद।